हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सेकंड बुक ज्योमेट्री, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है प्लेन, और ये आज इसका लास्ट लेक्चर है। आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें आपके टू एक्सरसाइजेस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर चुकी है, अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक्सरसाइज टू से पहले कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं जिनका याद होना आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। सभी क्वेश्चंस जो हैं मोस्टली वो फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स दिस एंड दिस इज पी प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल टू जीरो, वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर। यानी कि अगर आपको कोई भी दो प्लेन दे रखे हैं, सपोज दैट एक प्लेन दे दिया आपको P और एक प्लेन दे दिया Q। P प्लेन की इक्वेशन आपको दे दी a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equals to 0, एंड सेकेंड प्लेन लेट कर लिया Q है, और Q की इक्वेशन आपको दे दी a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equals to 0। तो उस कंडीशन में अगर आपसे क्या पूछ रहा है, वो इक्वेशन पूछ रहा है उस प्लेन की जो कि किससे पास आउट हो रही है, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, ये जो आपको दो प्लेन्स गिवन है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास आउट हो रही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, पी प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, जहां पर लैम्डा क्या है, पैरामीटर है। तो क्या करोगे आप, पी प्लस लैम्डा क्यू, यानी कि जो आपकी पी इक्वेशन है ये वाली, इसको पुट करोगे प्लस लैम्डा और क्यू के प्लेस पे ये वाली टर्म पुट करोगे। उसके बाद में आपको एक पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट को उस इक्वेशन में वेरीफाई कराओगे तो वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। फिर लैम्डा की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, देन आपके पास में जो इक्वेशन आएगी वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इसमें ये नोट करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द टू प्लेन्स। इसमें बच्चों तीन चार कंडीशंस हैं, तो चारों कंडीशंस आपको अच्छे से याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपकी मिस्टेक्स हो जाएंगी। अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछ लिया कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द टू प्लेन्स, तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि आपको उस इक्वेशन, उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो उस कंडीशन में अगर आपको प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, a1x plus b1y plus c1z plus d1 upon this is equals to plus minus this। आपको सबसे ज्यादा ध्यान इसमें किसका रखना है बच्चों, ये जो साइन है इसका। अगर आपसे डायरेक्टली दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करने वाली इक्वेशन, सॉरी प्लेन की इक्वेशन आपसे पूछ रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। जब यहाँ पे आप प्लस साइन के साथ में सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, जब आप माइनस साइन के साथ में सॉल्व करोगे देन आपको एक इक्वेशन मिलेगी। तो इस कंडीशन में आपको टोटल कितनी इक्वेशंस मिलेंगी, टू इक्वेशंस मिलेंगी। ये तो कंडीशन किसके लिए हो गई, कि जब आपसे दो प्लेन्स कह दे और उनके बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करने के लिए बोल दे। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन जो इसमें आती है, सेकंड कंडीशन आती है इसमें कि इन विच ओरिजिन लाइज और इन विच ओरिजिन डज नॉट लाई। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल इन विच द ओरिजिन लाइज, बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन की जगह कर देना बिटवीन द टू प्लेन्स इन विच ओरिजिन लाइज, अगर ओरिजिन लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे ओनली आपका प्लस साइन होगा। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला लिखा है वो अलग है, ये फॉर्मूला अलग है। अगर कंडीशन में आपसे ओरिजिन का जिक्र ना करे, डायरेक्ट पूछ ले, तो आपको प्लस माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है और आपकी दो इक्वेशन आएंगी। अगर आपसे क्या कह रहा है कि इन विच ओरिजिन लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। ठीक है, और प्लस साइन के साथ में सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी। सपोज दैट अगर आपसे बोल दे कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द टू प्लेन्स इन विच ओरिजिन डज नॉट लाई, इन विच ओरिजिन डज नॉट लाइज, यानी कि अगर ओरिजिन लाई ना कर रहा हो तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड यहाँ पे साइन कौन सा लोगे आप, माइनस साइन लोगे। ठीक है, माइनस साइन लोगे तो माइनस साइन की कंप्लीट में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस कंडीशन में भी आपको टोटल एक इक्वेशन मिलेगी,
सो आपको ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्ट पूछ ले तो प्लस माइनस दोनों साइन लेके सॉल्व करोगे, अगर ओरिजिन लाई कर रहा है तो प्लस साइन लेके सॉल्व करोगे, और अगर ओरिजिन लाई नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आप माइनस साइन लेके शो करोगे, ठीक है। अब बात आती है ओरिजिन अगर लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में भी दो कंडीशंस बनती है, कौन कौन सी, कि अगर आपसे बोल दे वो कि क्या द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इन विच द ओरिजिन लाइज इज एक्यूट, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि हाउ, अगर हम एक्सप्लेन करने की बात करें तो अगर आपसे आप ये क्वेश्चन पुट अप करो कि हाउ टू फाइंड दैट द एंगल बिटवीन द गिवन प्लेन्स इन विच द ओरिजिन लाइज इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज, अगर एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात वो आपसे पूछता है तो उस कंडीशन में आप कंडीशन कौन सी अप्लाई करोगे, यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एंगल है वो एक्यूट एंगल बन रहा है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो आप क्या निकालोगे, थीटा की वैल्यू निकालोगे, जहां पे कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, ये ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं ऑफ द टू गिवन प्लेन्स, यानी कि जो दो प्लेन्स आपके होंगे फर्स्ट प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ए वन बी वन सी वन, और सेकेंड प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ए टू बी टू और सी टू होंगे, ठीक है। तो इनकी हेल्प से आप थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ऑब्ड्यूज एंगल है या फिर एक्यूट एंगल है, तो ध्यान रखना बच्चा, अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आई, अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आई तो इस कंडीशन में कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू क्या आई, यानी कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू क्या आया, ग्रेटर देन जीरो आया, तो इस कंडीशन में कौन सा बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ठीक है। या आप साइड में नोट करके लिख सकते हो कि जब ये वाली कंडीशन होगी देन द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इन विच द ओरिजिन लाइज इज एक्यूट, यानी कि अगर एंगल की आप बात करें, एंगल फाइंड आउट करें, तो इस कंडीशन में एंगल क्या होगा आपका, एक्यूट एंगल होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है, एक बार इतना नोट करिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ प्लेन्स इफ दिस कंडीशन एंड ऑल्सो द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज थीटा इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दे जो कि किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, और आपसे पूछ ले कि शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ प्लेन्स, शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ प्लेन्स, तो उस कंडीशन में आप शो कैसे करके दिखाओगे, सबसे पहले तो जो आपकी इक्वेशन गिवन होगी जो उसकी कंपैरिजन करोगे आप इस वाली इक्वेशन से, यहाँ से आप क्या करोगे, ए बी सी एफ जी और एच की वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद में शो करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाली जो इक्वेशन आपको गिवन है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसमें जो वैल्यूज हमने निकाली ए बी सी और एफ जी एच की, वे सभी वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई कर दोगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, यानी कि जीरो के इक्वल। सो अगर जो आपकी आर एच एस है वो आपकी एल एच एस के इक्वल आ गई, तो इट मीन्स कि जो इक्वेशंस है वो रिप्रेजेंट करेंगी अ पेयर ऑफ प्लेन्स, अदरवाइज नहीं करेंगी, ठीक है। एंड ऑल्सो द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, और अगर आपसे उन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल भी पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यूज तो आप फाइंड आउट करके रखोगे ए बी सी और एफ जी एच की, तो आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दोगे, चाहे तो ये वाला टेन इनवर्स इधर की साइड लेके आओगे तो टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा ओनली इस वाले टर्म के, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए थीटा की, तो थीटा किसके इक्वल आएगा टेन इनवर्स दिस, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करोगे, ये किसके इक्वल होगा डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर, जहां पर डेल एक्स क्या होगा वन अपॉन टू और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डेल वाई किसके इक्वल होगा वन अपॉन टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस और डेल जेड उसके इक्वल होगा। ध्यान रखना अगर आप एक्स ले रहे हो प्लेन तो उस कंडीशन में वाई वन और जेड वन, यानी कि वाई और जेड वाला पॉइंट लोगे, अगर वाई ले रहे हो तो उस कंडीशन में एक्स और जेड लोगे, और अगर जेड ले रहे हो तो उस कंडीशन में एक्स और वाई लोगे, ठीक है। उसके बाद में अगर पूछ ले वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन, तो वॉल्यूम क्या होगा वी इज इक्वल्स टू, वी क्या है यहाँ पे वॉल्यूम,
1/6 डिटरमिनेंट ऑफ दिस, यानी कि आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका x1 y1 z1, सेकंड होगा आपका x2 y2 z2, थर्ड पॉइंट होगा x3 y3 z3 और फोर्थ पॉइंट क्या होगा x4 y4 z4। तो टोटल 4 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, उन पॉइंट्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करके डिटरमिनेंट सॉल्व कर लोगे और मल्टीप्लाई में कितना रहेगा 1/6 सॉल्व करोगे तो जो लास्ट में आंसर होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास में, वॉल्यूम आ जाएगा किसका, टेट्राहेड्रन का। तो इन सभी फॉर्मुलों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक बार इनको नोट करिए। देखिए एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड द पॉइंट दिस। तो दो आपको प्लेन्स दे रखे हैं, सबसे पहले इन दोनों प्लेन से आप इक्वेशन निकालोगे, उसके बाद में इस वाले पॉइंट को वेरीफाई कराओगे, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे सो आपको इक्वेशन मिल जाएगी प्लेन की। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो गिवन है वही लिखेंगे, गिवन दैट दो प्लेन दे रखे हैं तो पी प्लेन आपको क्या गिवन है, इसकी इक्वेशन 2x-7y+4z=3 एंड क्यू प्लेन आपको क्या गिवन है 3x-5y+4z+11=0। तो यहां से लिखेंगे नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ऑफ द प्लेन्स इज, क्या थी इक्वेशन, पी प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। इसको लेट कर लेना आप, क्या अभी मत लेट करना, पी की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, पी की वैल्यू कितनी है 2x-7y+4z+लैम्डा, क्यू की वैल्यू पुट कीजिए 3x-5y+4z+11। इसमें देखिए बच्चों इज इक्वल्स टू में 3 है तो 3 को इक्वल से इधर के साइड लेके आओगे तो कितना हो जाएगा ये -3=0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में -3 भी होगा। ठीक है, और ये आपका प्लस लैम्डा प्लस 11=0। यहाँ से x वाले टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करोगे, y वाली को एक साथ और z वाली को एक साथ। तो इसमें देखना यहाँ पे x है यहाँ पे x है तो x कॉमन लोगे, यहाँ से कितना बचेगा 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 लैम्डा इंटू x। y वाले टर्म्स को देखिए यहाँ से क्या आएगा -7 और यहाँ से आपका आ जाएगा अंदर प्लस आएगा, यहाँ से बचेगा 5 लैम्डा इंटू y। z वाले टर्म्स को देखिए यहाँ पे कितना है प्लस 4z, यहाँ पे भी और बच्चा 4z यहाँ पे भी, तो आप 4z कॉमन ले सकते हो इसमें से। तो 4z कॉमन लोगे यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा लैम्डा। उसके बाद में कॉन्स्टेंट टर्म्स देखें, यहाँ से कितना बचेगा -3 और यहाँ से कितना बचेगा प्लस के 11 लैम्डा इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन आई इसको लाइट कर लेना, ये वाली जो इक्वेशन है इसको लाइट करोगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको लाइट करोगे आप इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसमें आप पॉइंट जो आपको गिवन है -2, 1, 3 इसको वेरीफाई कराओगे। तो ऑन पुटिंग -2, 1, 3 इन द इक्वेशन सेकंड में पॉइंट की वैल्यूज पुट करोगे तो -2 किसकी वैल्यू है एक्स की, 1 किसकी वैल्यू है वाई की और 3 किसकी वैल्यू है यहाँ पे जेड की वैल्यू है। तो इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, यहाँ से कितना आएगा 2+3 लैम्डा इंटू एक्स के प्लेस पे आप -2 पुट करोगे, -7+5 लैम्डा वाई के प्लेस पे कितना आ जाएगा 1+4z, 1+ लैम्डा के प्लेस पे कितना आएगा, अच्छा 4z के प्लेस पे कितना आएगा बच्चे यहाँ पे 3 और ये आ जाएगा आपका 1+ लैम्डा एंड +-3+11 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो इन सभी टर्म्स को सॉल्व कर लीजिए आप, -2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे -4, 3 2 6 लैम्डा, माइनस के हो जाएगा 7, माइनस के 5 लैम्डा, 4 3 12, तो 12 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 12+12 लैम्डा, ये हो जाएगी टर्म आपकी -3+11 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। सभी जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको ऐड कर लीजिए और लैम्डा वाले टर्म्स को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए 11 लैम्डा और ये 12 लैम्डा कितने हो जाएंगे आपके 23 लैम्डा तो आपके प्लस के हो गए, 5 लैम्डा और 6
लैम्डा, तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चों, 11 लैम्डा माइनस के। तो ध्यान देना बच्चों, ये जो आपके माइनस के 11 लैम्डा है, इनसे आपका जो प्लस का 11 लैम्डा है क्या है, कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, ओनली 12 लैम्डा बचेगा। उसके बाद में यहाँ से देखिए 4 और 7 कितने हो जाएंगे आपके माइनस 11, माइनस 11 और प्लस 12 कितना बचेगा, प्लस 1, 1 और माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, इंप्लाइज दैट 2 कॉमन लेके 0 में पूछा दो, सो लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, 0 के। सो इंप्लाइज दैट लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बच्चा, 1/6 आ जाएगी। इस वैल्यू को किसमें पुट करोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट में, जो आपकी वाली इक्वेशन थी, इसमें लैम्डा की वैल्यू को पुट करोगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करिए, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 2x माइनस 7y प्लस के 4z माइनस 3 प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, 1/6 इंटू 3x माइनस 5y प्लस 4z प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। 6 को एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, 6 2 12x माइनस 6 7 42y प्लस 6 4 24z माइनस 6 3 18, और ये 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 5y प्लस 4z प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से आगे देखिएगा, सभी टर्म्स को ऐड कर लोगे आप और सॉल्व कर दोगे, तो ये 12x है, ये 3x है, ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चा, 15x, यहाँ से माइनस 42y और यहाँ पे कितना है, माइनस के 5y, दोनों टर्म्स आपकी ऐड हो जाएंगी, तो कितना आएगा, माइनस के 47y 24z और ये आपका 4z ऐड होके कितना हो जाएगा, 28z माइनस 18 और प्लस 11 कितना बचेगा, माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। 7 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, सो 15x माइनस 47y प्लस 28z इज इक्वल्स टू 7। यही क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की, जो कि आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करिए। देखिए बच्चों, इसके बाद में एक्सरसाइज 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम बिल्कुल एग्जांपल नंबर 10 की तरह है, लेकिन उसमें क्या है, एक छोटी सी मिस्टेक है, क्या है कि जो परपेंडिकुलर प्लेन के लिए आपको कंडीशन दे रखी है, तो उसमें उस जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्लस के 6z, जबकि यहाँ पे आएगा आपका माइनस के 6z, इसलिए मैं आपको बुक से नहीं करा रही, जो आपकी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नहीं करा रही, आप डायरेक्टली इसका एग्जांपल करना। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, यानी कि आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो कि कंटेन करती है क्या, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, इन प्लेन्स के बीच में जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसको कंटेन करती है, और जो प्लेन किसके परपेंडिकुलर है टू द प्लेन दिस, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, सो द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स फर्स्ट एंड सेकेंड, जो स्टार्टिंग के दो प्लेन्स दिए उनको लेके आप प्लेन की इक्वेशन निकालोगे, तो इक्वेशन क्या होती है, पी प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल्स टू 0, तो पी की वैल्यू रखी प्लस लैम्डा क्यू की वैल्यू रखी इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, 0। तो यहाँ से x वाले टर्म्स को एक साथ लोगे, y वाले टर्म्स को एक साथ, z वाले टर्म्स को एक साथ और कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साथ। तो यहाँ से देखिए x और x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 लैम्डा और x कॉमन, सेम ऐसे यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस के लैम्डा y कॉमन, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस लैम्डा और z कॉमन, यहाँ से माइनस 4 है और यहाँ से कितना है प्लस के 5 लैम्डा, तो इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0। इसको ऐड कर लोगे क्या आप इक्वेशन फर्स्ट, और इस वाली इक्वेशन को क्या ऐड करोगे आप इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इफ़ द प्लेन टू इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, अगर जो आपका ये वाली प्लेन की जो इक्वेशन आई ये परपेंडिकुलर है किस प्लेन के, इस वाले प्लेन के, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे इसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ये किसकी वैल्यू होगी बच्चा, यहाँ से ए की, ये बी की और सी की, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड को ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, 1+2 लैम्डा, वाई के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 2+ लैम्डा, और जेड के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 3-लैम्डा इस इक्वेशन में।
फाइव एक्स के प्लेस पे वन प्लस टू लैम्डा और वाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा टू प्लस लैम्डा, जेड के प्लेस पे कितना आ जाएगा थ्री माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आगे देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में ये टर्म्स आएंगी तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेवन अपॉन नाइनटीन, तो पुट कर दोगे सेवन अपॉन नाइनटीन को किस में इक्वेशन फर्स्ट में, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्व करने पे इक्वेशन क्या आएगी 33x प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41 इज इक्वल्स टू जीरो, और यही क्या आ जाएगा इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आप एग्जांपल नंबर 10 करना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप मत देखना वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे आपको माइनस की जगह प्लस साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो बच्चा पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए, टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस, अगर आप में से किसी के पास में बुक नहीं है तो आप वहाँ से इसको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर प्लेन्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस। तो आपको क्या करना है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उस प्लेन की जो कि जो गिवन दो प्लेन्स हैं इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द टू प्लेन्स इज इक्वेशन क्या होती है बच्चा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस जी टू और अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर। ठीक है, यहां से वैल्यूज पुट कीजिए। ए वन क्या है, जो आपका फर्स्ट प्लेन है उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी और डी पॉइंट इसमें आपको गिवन है, तो कितना आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 और अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी अंडर रूट ए वन स्क्वायर, ए कितना है 3, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 9 प्लस बी वन स्क्वायर, बी वन कितना है माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, सी वन स्क्वायर, सी की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए टू एक्स, ये आपकी दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन, ये भी कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ए टू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ से सभी टर्म्स को ऐड करके आप सॉल्व कर लोगे और एक बार प्लस साइन के साथ में लोगे और एक बार माइनस साइन के साथ में सॉल्व करोगे। ठीक है, सो यहाँ से देखिए 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 और 40 और 9 कितना हो जाएगा 49, 49 को अगर आप रूट से बाहर निकालो तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चा 7 नहीं आएगा, सेम यहाँ पे 4 4 8 और 1 9, 9 को अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसके बाद में ये वाली लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार निगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन तो इक्वेशन क्या आएगी 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू, इधर प्लस साइन रहेगा तो ये रहेगा 2x माइनस y प्लस 2z प्लस 3 अपॉन 3। तो यहां से क्या करोगे आप 3 की मल्टीप्लाई इधर और 7 की मल्टीप्लाई इधर और सभी टर्म्स को क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे, तो 3 की इधर करोगे कितना आ जाएगा 3 3 जा 9x 3 2 जा 6y 3 6 जा 18z 3 8 जा 24, 7 2 जा 14x माइनस 7y, 7 2 जा 14z, 7 3 जा 21, तो 14x देखिए इधर के साइड लेके जाइए इन सभी टर्म्स को, तो 14x ये 9x दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 14 में से आप माइनस कर दोगे 9 को तो आपके पास में टर्म क्या बचेगी 5x। ठीक है, उसके बाद में ये माइनस 7y है, माइनस 6y को इधर की साइड लेके जाओगे प्लस 6y, तो माइनस 7 प्लस 6 कितना बचेगा माइनस वाई, 18z को दूसरी साइड लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा तो 14 और माइनस 18 कितना बचेगा माइनस के 4z, 24 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो 21 माइनस 24 कितना बचेगा माइनस 3
और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा इधर की साइड, जीरो आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गई, तो एक आंसर तो आपके पास में ये आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, एंड नाउ टेकिंग निगेटिव साइन, निगेटिव साइन एक बार क्या लोगे आप, माइनस साइन लोगे। सो उसके बाद में यहीं से वापस आ जाना, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रफ कर रही हूं मैं, ये आपका माइनस का मल्टीप्लाई होगी, तो ये माइनस, ये प्लस, ये आपका माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इनके आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से देखना इसके इधर करोगे तो ये आपका माइनस, ये प्लस, ये आपका माइनस हो जाएगा और ये टर्म भी क्या हो जाएगी, माइनस। तो अब इनको जरा सॉल्व करना बच्चों, ये 14 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 14 में आप 9 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 23x, 23 तो होगा बच्चा 14, और ये हो जाएगा आपका 620 और 323x। ठीक है, 7y इधर की साइड आएगा माइनस का, तो माइनस 7y और माइनस 6y कितना हो जाएगा, माइनस के 13y। ये इधर की साइड आके प्लस का हो जाएगा, 18 और 14z कितने हो जाएंगे आपके बच्चा, ये हो जाएगा आपका 32z, वो भी कैसे, प्लस के। माइनस 21 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 45 इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या आ जाएगी आपके पास में, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की। तो टोटल आपके पास में दो इक्वेशंस आ गई, और इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड डिस्टिंग्विश देम। तो आपको क्या करना है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, उसी की तरह है बिल्कुल, डिजिट्स आपकी चेंज हुई हैं। इसमें भी आपको प्लस माइनस दोनों साइन लेने, क्योंकि ओरिजिन का तो कोई भी जिक्र नहीं किया गया। आंसर्स आपके दो इक्वेशंस आएंगी, फर्स्ट ये और सेकेंड ये। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करना है, एक बार इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस व्हिच कंटेन्स द ओरिजिन, इज दिस द प्लेन दैट बाइसेक्ट्स द ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि सबसे पहले तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है प्लेन की, जो कि दो प्लेन आपको गिवन है, इनके बीच में जो एंगल है बाइसेक्ट करती है। ठीक है, विच कंटेन्स द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन को कंटेन करती है, इज दिस द प्लेन दैट बाइसेक्ट द ऑब्ट्यूज एंगल। और आपको ये भी बताना है कि जो प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है क्या वो ऑब्ट्यूज एंगल है या फिर नहीं है। तो दोनों ही आपको केस इसमें वेरीफाई करके दिखाने, फाइंड आउट करने, एक फाइंड करने और एक आपको बताना है कि है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई हुई है क्या, कि अगर ओरिजिन लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल, बाइसेक्टिंग द एंगल इन विच द ओरिजिन लाइज इज इक्वेशन क्या होती है बच्चा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस जी वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस जी टू और अपॉन में आता है अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कीजिए। तो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन से रखिए, 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू में सेकंड प्लेन की इक्वेशन वो रही 4x माइनस 12y प्लस 3z माइनस 3, वो प्लस 3 इधर की साइड आके माइनस 3 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 0। अपॉन में टर्म देखिए, 4 का स्क्वायर करोगे 16 माइनस 12 का स्क्वायर करोगे 144 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे आप, इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, तो यहाँ से देखिए 36 और 4 40, 49 को रूट से बाहर निकालोगे तो 7 हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, 7। यहाँ से इन सभी टर्म्स को आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 16 और 9 और 144 सभी को ऐड करोगे आएगा आपका 169, और 169 को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा,
जाएगा 13, क्योंकि 169 किसका स्क्वायर होता है बच्चा, 13 का स्क्वायर होता है। यहाँ से टर्म्स को सॉल्व कर लीजिए, 13 की जगह मल्टीप्लाई करोगे 13 3 39x माइनस 13 की 6 में मल्टीप्लाई कीजिए, और 7 की इधर मल्टीप्लाई करोगे आप, 7 4 28x माइनस 28x इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो 39 में से माइनस करोगे 28 आपका कितना बच जाएगा बच्चों, 9 में से 8 गया 1 और 3 माइनस 2 यहाँ पे बचेगा आपका 11x, ये 84y है इधर आगे प्लस के हो जाएंगे और यहाँ पे कितना है माइनस के 78y है, तो माइनस करोगे आप कितना, 78 माइनस कर दोगे 84 में से, तो आपका ये बच जाएगा बच्चों यहाँ पे 14 और 6 और यहाँ पे आपके टर्म कितनी आ जाएगी 6, 78 में 6 ऐड करोगे तो किसके आएंगे प्लस के 6y, ठीक है। उसके बाद में इधर 26z है, इधर कितना है 21, इधर की साइड लेके आओगे माइनस की हो जाएंगे, तो 26 और माइनस 21 कितना बचेगा यहाँ पे आपका प्लस का 5z, ये आपका प्लस के 65 है, इधर की साइड आके प्लस की हो जाएंगे कितना 21, तो दोनों टर्म्स आपकी ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 86 और इज इक्वल्स टू में 0, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो कि आपको क्या करनी थी क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान देना, फिर आप लोग कमेंट करोगे कि मैम बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा, बच्चे बुक में इसमें आंसर जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि अगर कंडीशन ये होती ना क्वेश्चन में कि विच डज नॉट कंटेन्स द ओरिजिन, यानी कि अगर ओरिजिन लाई नहीं करता तो उस कंडीशन में आपका वो आंसर आता जो आपका बुक में आया हुआ है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर यही सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि विच कंटेन्स द ओरिजिन, यानी कि अगर ओरिजिन लाई कर रहा है तो फॉर्मूला आपको लिखा है मैंने प्लस वाला लगेगा, और ओरिजिन अगर लाई नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा आपका माइनस वाला, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर एग्जाम में ही क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको डज नॉट कंटेन दिया हुआ है या फिर कंटेन दिया हुआ है, कंटेन दिया हुआ है तो आप ऐसे ही करोगे जैसे मैंने आपको करा और यही आंसर आएगा, और अगर डज नॉट कंटेन दिया हुआ है तो आप माइनस साइन लेके सॉल्व कर लोगे और आपका वो आंसर आ जाएगा जो आपका बुक में गिवन है, ठीक है। इसी के साथ में वाला क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है, इसके बाद में इसमें नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इज दिस द प्लेन दैट बाइसेक्ट द ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि आपको ये भी बताना है कि जो एंगल है जो प्लेन है वो जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या वो ऑब्ट्यूस एंगल है या फिर नहीं है, ऑब्ट्यूस एंगल है या फिर नहीं है वो आपको बताना है। तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर क्या है बड़ा आ जाए किससे जीरो से तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और अगर छोटा आ जाए तो क्या होगा आपका एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, जहाँ पे a1 b1 c1 आपको पता है, a2 b2 c2 क्या है डायरेक्शन रेशियोज है प्लेन के, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, देखिए बच्चा a1 कितना है यहाँ से 3, b1 की वैल्यू कितनी है -6, c1 की वैल्यू कितनी है 2 एंड a2 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू कितनी है -12 और c2 की वैल्यू कितनी है 3। तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू, ये हमें देखना है कि हमारा 0 के इक्वल आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है या फिर छोटा आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 4, 4 3 12 प्लस -6 -12 कितना हो जाएगा ये आपका, मल्टीप्लाई करोगे 12 6 72 और वो भी कैसे प्लस के, फिर 3 2 6 सभी टर्म्स आपस में ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा ये 76 और 4 10 की 0 7 8 और 1 9 90 और 90 भी क्या बनता है आपका, आप सभी को पता है एक्यूट एंगल बनता है, तो इट मीन्स ये जो एंगल आएगा ये क्या आएगा आपका एक्यूट एंगल आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ही आपका नहीं होगा, ठीक है। सो लास्ट में आप क्या लाइन लिखोगे, द प्लेन दैट बाइसेक्ट इज नॉट द ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि वो क्या है ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, ठीक है। तो
तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। देखिए बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ प्लेन। तो आपको शो करके दिखाना है कि जो इक्वेशन गिवन है ये क्या करती है, प्लेन्स के पेयर को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2006, 15, 6, 10 और 18 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो जो आपको गिवन है वही लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको, a अपॉन y माइनस z इज इक्वल्स टू, अच्छा a अपॉन y माइनस z, a अपॉन y माइनस z प्लस b अपॉन z माइनस x प्लस c अपॉन x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो टर्म आ जाएगी a, इसके साथ में इन दोनों की मल्टीप्लाई z माइनस x इंटू x माइनस वाई प्लस बी के साथ में आ जाएगा y माइनस जेड और x माइनस वाई एंड प्लस सी के साथ में क्या आ जाएगा y माइनस जेड एंड z माइनस x, और अपॉन वाली टर्म को जीरो में मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो हो जाएंगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा आपका a, अंदर वाली टर्म की कर लीजिए पहले, हो जाएगा आपका जेड एक्स माइनस के वाई जेड माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से प्लस के बी एज इट इज, अंदर वाले टर्म्स की मल्टीप्लाई कीजिए वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और प्लस के वाई जेड आ जाएगा। लास्ट वाले टर्म में से देखिए प्लस के सी, अंदर वाले टर्म्स की मल्टीप्लाई करोगे वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर और प्लस के एक्स जेड इज इक्वल्स टू जीरो। सभी टर्म्स की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से हो जाएगा ए जेड एक्स माइनस के ए वाई जेड माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स वाई। ऐसे ही आप क्या करोगे, बी की मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी वाई एक्स माइनस के बी वाई स्क्वायर माइनस के बी जेड एक्स और प्लस के कितना हो जाएगा आपका बी वाई जेड, एंड यहाँ से टर्म आ जाएगी सी वाई जेड माइनस सी एक्स वाई माइनस सी जेड स्क्वायर प्लस के सी एक्स जेड इज इक्वल्स टू जीरो। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे हम, तो यहाँ से आगे देखना ये स्क्वायर चल रहा है, ए जेड है, पहले स्क्वायर वाली टर्म्स लिख लेते हैं। तो यहाँ से कितना है, माइनस के ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी वाई स्क्वायर और यहाँ से आपका ये माइनस के सी जेड स्क्वायर, ठीक है। एक टर्म और सेकेंड ईयर ही थर्ड टर्म ये हमारी हो गई। उसके बाद में लेके चलते हैं हम एक्स वाई वाले टर्म्स, तो ए एक्स वाई उसके बाद में बी एक्स वाई प्लस के कितना, सॉरी माइनस के कितना है सी एक्स वाई। उसके बाद में वाई जेड वाले टर्म्स देखना, ए वाई जेड यहाँ से आगे देख लेना बच्चा, माइनस के ए वाई जेड फिर आ जाएगा आपका प्लस के बी वाई जेड फिर आ जाएगा आपका कितना प्लस के सी वाई जेड। उसके बाद में जेड एक्स वाले टर्म देखना, प्लस के ए जेड एक्स फिर आएगा आपका माइनस के बी जेड एक्स और लास्ट में आएगा आपका कितना प्लस के सी जेड एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लेंगे और माइनस साइन की मल्टीप्लाई, देखिए इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये टर्म आपकी माइनस हो जाएगी। अब यहाँ से देखना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, इन तीनों टर्म में से एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो माइनस के एक्स वाई कॉमन ले लीजिए। अंदर कितना बचेगा, यहाँ से ए प्लस के बी और माइनस के सी, सेम ऐसे ही वाई जेड वालों में से कॉमन लोगे तो प्लस के वाई जेड हमने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा ए माइनस बी और माइनस सी। यहाँ से देखिए माइनस के जेड एक्स कॉमन लोगे हमें कितना बचेगा ए प्लस ए माइनस बी और अंदर कितना बचेगा आपका प्लस के सी आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू में जीरो। अब ये जो इक्वेशन आई इसकी कंपैरिजन करोगे आप किससे, जो इक्वेशन हमारी फॉर्मूले में थी उससे, ऑन कंपैरिंग दिस इक्वेशन
बाय द इक्वेशन, इक्वेशन क्या थी बच्चा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो जहाँ पे हमने माइनस साइन कॉमन लिया ना, वहाँ पे प्लस साइन ले लीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका माइनस का होगा, ये माइनस का और ये प्लस का, इससे आपको इजी पड़ेगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना, इस इक्वेशन की इस इक्वेशन से कंपैरिजन करोगे तो ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, तो यहाँ से ये टर्म तो इक्वल है, यानी कि ए किसके इक्वल आएगा, ए के, बी किसके इक्वल आएगा, बी के, और सी किसके इक्वल आएगा बच्चा, सी के इक्वल आ जाएगा, नीचे का आपको दिखाई दे रहा है, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा तो भाई एक बार ऊपर देख लेना, यहाँ से जरा इक्वेशन की कंपैरिजन करोगे तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए के, बी बी के इक्वल आ जाएगा और सी सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए वाई जेड वाली टर्म कौन सी है, ये रही, तो वाई जेड और यहाँ पे कितना है वाई जेड, एक बार समझ लीजिए इस टर्म को, देखिए टू एफ वाई जेड किसके इक्वल है, यहाँ से वाई जेड ए माइनस बी माइनस सी इसके इक्वल है, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल आउट, तो यहाँ से अगर हम एफ की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, वन अपॉन टू ए माइनस बी माइनस सी, टू जो इसकी मल्टीप्लाई है ना इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉन टू ए माइनस बी माइनस सी, आपको समझाने के लिए था। सिमिलरली जेड एक्स वाली टर्म देखिए बच्चा कौन सी है, ये रही, इसमें अगर आप किसकी वैल्यू निकालोगे, जी की वैल्यू निकालोगे तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉन टू माइनस ए प्लस बी माइनस सी, और एच की वैल्यू निकालोगे किससे, एक्स वाई वाले टर्म से, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉन टू माइनस ए माइनस बी प्लस सी आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो आपके पॉइंट्स आए हैं इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो इक्वेशन आपको गिवन थी ये प्लेन्स के पेयर को रिप्रेजेंट करती है या फिर नहीं। सो नाउ द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ प्लेन्स इफ, कौन सी कंडीशन होगी, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो आ जाए। तो ए बी सी की वैल्यू तो यही होगी, ए की वैल्यू ए, बी की बी, सी की सी, प्लस के टू एफ, एफ की वैल्यू कितनी आई आपके पास में देखिए यहाँ से, वन अपॉन टू इंटू ए माइनस बी माइनस सी, जी की वैल्यू कितनी आई है, वन अपॉन टू इंटू माइनस ए प्लस बी माइनस सी, इंटू एच की वैल्यू कितनी आई है, वन अपॉन टू माइनस ए माइनस बी प्लस सी आई है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आगे देखिए माइनस के ए एफ स्क्वायर, तो यहाँ से ऊपर दिखा दो बच्चा, इसी लाइन में आगे जॉइंट है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, चलिए अब आपको दिखाई देगा क्लियर। सो उसके बाद में माइनस ए एफ स्क्वायर, तो माइनस ए एफ की वैल्यू कितनी आई थी ये, तो इसका स्क्वायर करोगे आप तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा बच्चा, फोर, और टर्म आ जाएगी आपकी ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन बी एज इट इज, डी की वैल्यू क्या थी ये वाली थी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो वन अपॉन फोर माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी, और एच की वैल्यू क्या थी ये वाली, तो इसका स्क्वायर करके आ जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, जीरो, सभी टर्म्स को सॉल्व करिए। सो इससे आगे देखिए बच्चे, जब आप इन टर्म्स को सॉल्व कर लोगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो आपके टर्म्स आई हैं इनको सॉल्व करोगे तो जो आपकी एल एच एस होगी वो किसके इक्वल आएगी, आर एच एस की, यानी कि ये वाली साइड कम्प्लीट सॉल्व करने के बाद में क्या आ जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन, इसलिए कैलकुलेशन आप अपने आप भी कर सकते हो, गुना भाग जोड़ घटाई है तो इसलिए इसके कैलकुलेशन आप घर से कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको करा दूंगी, अदरवाइज इजी है करके देख लेना एक बार, ठीक है। तो एक तो इसको नोट करिए, एक इसी में बच्चों, इसी के अलग एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, इसी में ही नोट करा दी, उसमें भी क्या करना है आपको, शो करके दिखानी है इक्वेशन आपको क्या गिवन है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर
इक्वेशन आपको गिवन है और आपको क्या शो करके दिखाना है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है किसको, अ पेयर ऑफ प्लेन्स को। एंड इसमें आपको क्या फाइंड करना है, एंड फाइंड द एंगल बिटवीन देम, यानी कि इसमें आपको थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। टेन में आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने इसी क्वेश्चन में, तो जो इक्वेशन थी उससे आप कंपैरिजन करोगे इस वाली इक्वेशन की, यहाँ से आपको एफ जी और एच की वैल्यूज मिल जाएंगी। जो वैल्यूज मिलेंगी उनको इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है या फिर नहीं कर रही पेयर ऑफ प्लेन्स को। अगर एल एच एस जीरो आ गई तो कर रही है, अदरवाइज नहीं तो करेंगी, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। उसके बाद में जो वैल्यूज आपको मिलेंगी ए बी सी और एफ जी एच की, उनको आप किस में करोगे, थीटा वाले फॉर्मूले में पुट करोगे। थीटा का फॉर्मूला आपको बताया था, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स में जो था 2 इंटू अंडर रूट में टर्म थी और अपॉन में था, ठीक है। फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ था मैंने स्टार्टिंग में, तो उस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा इसमें बच्चा, टेन इनवर्स, आंसर लिख लेना नोट करके। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा आपका, टेन इनवर्स 1/2 अंडर रूट 5, ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, नोट करिए। अच्छा बच्चा, इक्वेशन आपको नहीं दिखाई दे रही तो एक बार देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है इक्वेशन है और आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। आपको एक चीज शो करके दिखानी है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है पेयर ऑफ प्लेन्स को, और दूसरा इसमें आपको एंगल फाइंड आउट करना है, एक बार नोट करिए। देखिए बच्चे, लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। आपको क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी वर्टिसेस आपको गिवन है। तो फॉर्मूला आपको पता है, वी नो दैट डेल स्क्वायर, डेल क्या होता है यहाँ पे, जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो किसके इक्वल होता है, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर। गिवन दैट, गिवन क्या है आपको बच्चों, x1 y1 z1 की वैल्यूज आपको गिवन है कितनी, 1 2 and 3, 1 2 3, x2 y2 z2 की वैल्यूज आपको गिवन है 2 -1 और 1, फिर x3 y3 और z3 की वैल्यूज आपको गिवन है कितनी, 1 2 and -4। इसको रेड कर लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो नाउ डेल एक्स स्क्वायर अगर हम निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 y1 y2 y3, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूं बच्चा, y1 की वैल्यू देखिए कितनी है 2, y2 की वैल्यू -1, y3 की वैल्यू 2, z1 की वैल्यू 3, z2 की वैल्यू 1 और z3 की वैल्यू -4, लास्ट में टर्म क्या आती है 1 1 1। यहाँ से क्या करना है, हमें डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना आप सभी पे आता है, या तो आप क्या कर लीजिए, रो के रेस्पेक्ट में कर लीजिए या कॉलम के। तो सपोज दैट हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कीजिए आपका टर्म क्या आएगी, डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, 2 आपका एज इट इज रहेगा, अंदर देखिए इन टर्म्स की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 की 1 में करोगे 1, -4 की 1 में करोगे -4, तो कितना हो जाएगा +4, -3, इन टर्म्स की करिए -1 और -2 हो जाएगा, 21 में करोगे फिर आपका आएगा +1 के लिए जिस रो में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, बाकी टर्म्स की क्रॉस मल्टीप्लाई। -1 की -4 में करोगे तो आपका +4 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन, 2 1 2। सॉल्व करिए, डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से टर्म कितनी आएगी। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज़ का ध्यान करना बच्चे, एक मिस्टेक हो गई क्या, यहाँ पे जो टर्म आ रही है ना, ये हमारी डेल एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। स्क्वायर आपका फॉर्मूले में है, फॉर्मूले में क्या करोगे आप, वहाँ पे स्क्वायर पुट करोगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है वो सही है। तो 4 and 1 5 5 2 10, 2 1 2, वो भी क्या, सॉरी 2 and 1 3, -3 की मल्टीप्लाई -3 में करोगे कितना हो जाएगा, +9, 4 - 2 कितना आएगा, 2 and 2 1 2, 10 2 12 12 और सॉरी 10 9 19 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/2 आ जाएगी, कितनी आ गई, 21/2। सिमिलरली किसकी वैल्यूज करेंगे फाइंड, हम डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे,
अगेन डेल वाई इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, एक्स और जेड वाले टर्म्स, तो एक्स वन की वैल्यू वन, एक्स टू की वैल्यू टू, एक्स थ्री की वैल्यू वन। यहाँ से देखिए जेड वन की वैल्यू थ्री, जेड टू की वन और जेड थ्री की वैल्यू माइनस फोर आ जाएगी एंड लास्ट वाले टर्म्स आपकी वन 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 चलेंगी। इसका क्या कर देंगे हम फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में करके दिखा दे रही हूँ आपको एक बार। सो डेल वाई किसके इक्वल आ जाएगा, अच्छा वन अपॉन टू भी अभी मल्टीप्लाई में, वन अपॉन टू फर्स्ट जो आपकी टर्म है वन एज इट इज, ये आपकी जिस कॉलम में आ रही है और जिस रो में आ रही है उसको नेग्लेक्ट कर दोगे। डिटरमिनेंट वाले तो कई क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, अब आपको याद भी हो गए होंगे। तो यहाँ से देखिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, वन माइनस माइनस फोर की वन में करोगे तो प्लस फोर आ जाएगा। उसके बाद में टर्म क्या आएगी बच्चा, टू माइनस टू लोगे, ये जिस रो कॉलम में आ रहा है जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ दोगे तो थ्री, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस के फोर। फिर माइनस वन ये वाला इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, थ्री वन जो थ्री और माइनस के वन, ठीक है। इनको सॉल्व करिए, फोर एंड वन फाइव, फाइव वन जो फाइव, फोर फोर और थ्री कितने हो जाएंगे सेवन, सेवन टू जो फोर्टीन, थ्री माइनस वन टू, टू वन जो टू, फोर्टीन और टू कितने हो जाएंगे बच्चा सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन और प्लस फाइव कितना बचेगा माइनस के इलेवन बाय टू। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल वाई की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालोगे आप, डेल जेड की। फॉर्मूले में क्या पुट करोगे, एक्स और वाई ओनली, तो एक्स वन की वैल्यू वन, एक्स टू की टू, एक्स थ्री की वन, वाई वन की वैल्यू टू, वाई टू की माइनस वन और वाई थ्री की टू, और वन 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 एज इट इज आ जाएगा। तो इसका क्या करेंगे हम, सपोजेट अगर फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये वाली टर्म्स आपकी अंदर वाली चेंज हो जाएंगी, बाकी टर्म्स तो एज इट इज रहेंगी। तो यहाँ से देखिए हमारा वन एज इट इज है, तो ये जिस कॉलम रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है इन दोनों को तो नेग्लेक्ट कर देंगे। माइनस वन की मल्टीप्लाई वन में करोगे माइनस वन, बीच में माइनस साइन, टू की वन में करोगे कितना आ जाएगा टू, फिर माइनस टू के बाद में ये टू जिस कॉलम में आ रहा है जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, टू वन जा टू, माइनस साइन टू वन जा टू हो जाएगा, फिर ये आपका प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे। बच्चा एक चीज का ध्यान देना, इससे पहले हमने एक मिस्टेक कर दी, जब हमने डेल वाई की वैल्यू निकाली थी ना तो डेल वाई में यहाँ पे हमने माइनस वन जाता है, यहाँ पे माइनस वन नहीं प्लस वन आएगा क्योंकि थर्ड टर्म में क्या आता है प्लस साइन, तो ये आपका प्लस का टू होगा, तो फाइव टू सेवन और माइनस फोर्टीन और प्लस सेवन कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका माइनस के सेवन बाय टू आएगी टर्म, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना। अब जेड के लिए हम देख रहे हैं तो यहाँ से देखना आगे, ये आपकी टर्म हो जाएगी टू वन जो टू और माइनस साइन, माइनस वन की वन में करोगे कितना आएगा माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, वन अपॉन टू माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, टू माइनस टू ये तो जीरो हो जाएगा, टू एंड वन कितना हो जाएगा प्लस थ्री, तो ये वाली टर्म तो कितनी आ गई जीरो, यानी कि डेल जेड की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा जीरो आ गई। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू क्या थी, डेल स्क्वायर किसके इक्वल था, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर, डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी ट्वेंटी वन अपॉन टू तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डेल वाई की वैल्यू कितनी आई माइनस के सेवन बाई टू तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में कितना है जीरो है, ठीक है। जीरो ऐड करोगे तो ये टर्म आ जाएगी अपने आप में, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, डेल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से आगे देखना ट्वेंटी वन का स्क्वायर करोगे कितना आएगा फोर हंड्रेड फोर्टी वन, टू का स्क्वायर करोगे तो फोर आ जाएगा प्लस, माइनस सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन और अपॉन में टू का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा फोर, तो डेल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, डिनोमिनेटर आपके सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, नाइन एंड वन टेन, फोर फोर एट और वन नाइन, फोर नाइनटी और अपॉन में कितना आ जाएगा फोर, इधर स्क्वायर है दूसरी साइड लेके जाओगे रूट आ जाएगा, तो डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट फोर नाइनटी और अपॉन में अंडर रूट फोर, अंडर रूट फोर को आप रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा अंडर रूट फोर नाइनटी और अपॉन में कितना आ जाएगा वन अपॉन टू, अपॉन में कितना आ जाएगा टू क्योंकि रूट से आप फोर को बाहर निकालोगे कितना आएगा बच्चा टू आएगा, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, एरिया की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें क्या करना था
फाइंड करना था, ठीक है। सो बच्चा इस वीडियो में बस इतना ही। इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन रह गए, जिनमें से कि एक आपका आया हुआ है बच्चों 2019 में और एक आया हुआ है आपका 17 में, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम इसमें, तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका जो फॉर्मूले वगैरह लिखाऊंगी, तो उसमें मैं आपको लास्ट में ये दोनों क्वेश्चंस करा दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वैसे ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो चुका है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बच्चा अगर आपको वीडियोस की अपडेट के लिए अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल जो है नहीं किया है तो कर लेना। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस, जनवानी क्लासेस। और इसमें मिस्टेक मत करना, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स डब्ल्यू के प्लेस पे बी लिख देते हैं, ठीक है। और अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को बुक परचेज करनी है, फर्स्ट और सेकेंड बुक, तो उस बुक का लिंक आपको, दोनों बुक्स का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली ऑनलाइन बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।